हेलो करियो, हेलो बोलियो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अज एक इतिहासिक जित जी आम आदमी पार्टी की जलंधर बायपोल तो हुई है। सब तो पहला मैं जलंधर के सारे वासियों का हाथ जोड़ के असी सारे मिस्टर साहबान बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहते हैं। मेरे नाल ने मेरा छोटा भरा हरजोत पैंस जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके कंपेन की, और उस बाद कुलदीप धालीवाल जी, जिम्पा साहब, ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, हरभजन सिंह ईटीओ साहबान, और मेरा सब तो छोटा भरा सुशील रिंकू जी जिन्होंने बड़ी जानदार बड़े जोर ला के जबरदस्त तरीके मेहनत की पार्टी की जित जी जित जी पार्टी की चोली छपाई है। आम आदमी पार्टी ने जो सुशील रिंकू जी ने चोन मैदान च उतारिया तो वख वख पार्टियां ने अपने लैवल के उत्ते बड़े दोष भी लाए, घटिया राजनीति करने की कोशिश भी की, पर लेकिन जलंधर वासियों ने प्यार सत्कार का सबूत दिता। जो गरंटियां आम आदमी पार्टी ने 2022 की इलेक्शन दे विच साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों दित्तियां सी, वह सारिया गरंटिया की करके जिहड़ियां असीं पूरियां कर रहे हैं उन्हां सारिया गरंटिया के उत्ते पंजाब के लोगों ने खास करके जलंधर के लोगों ने मोहर लाई आ कि आम आदमी पार्टी का वादा सीगा कि 300 यूनिट असी मुफ्त इलैक्ट्रिसिटी देनी आ, वह वादा पूरा किया। उस गल्ल लैके लोगों च गए, लोगों ने उस फैसले की शलाघा की, लोगों ने चर्चा की कि साढ़े घर 300 यूनिट माफ होने के नाल 4000 बच गया, 5000 बच गया। लोग कैलकुलेशन करते सीगे, लोग इस गल की चर्चा करते सीगे कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर महला क्लीनिक खोले सी उस तरह के महला क्लीनिक पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार खोल रही है। लगातार महला क्लीनिक पंजाब के अंदर खुले और लगभग 600 के करीब खुल चुके हैं, उन्होंने सारे से मोहर जलंधर निवासियों ने लाई आ। स्कूल ऑफ एवेनेंस आ भरा साडा बैठा गा हरजोत, इन्हों की सख्त मेहनत आ गई कि लगातार स्कूल ऑफ एवेनेंस खोल रहे हैं, अध्यापकों को ट्रेनिंग देने लिए बाहर भेज रहे हैं। हरभजन सिंह जी ईटीओ बैठे ने लगातार लगातार यत्न कर रहे हैं कि 300 यूनिट हरेक घर तक मुफ्त मिली। मेरा कहने का भाव साढ़े सारे साथी जोड़े अच्छ बैठे ने ये लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के पिछले 13 महीनों तो पंजाब नू रंगला पंजाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देश दे अंदर आम आदमी पार्टी के साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की एक जोड़ी, एको शानदार जोड़ी जिहड़ी देश नू नंबर एक देश बनाना चाहती आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश के अंदरों भ्रिष्टाचार का खात्मा चाहती आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश के हर एक बच्चे दे लई अच्छी विद्या चाहती आ, वह शानदार जोड़ी जिहड़ी देश के अंदर किसी गरीब का किसी अमीर का अच्छा इलाज चाहती आ। अज उस जोड़ी दियां मैं समझदा कीतियां कोशिशां नू अज बूर पिया कि आम आदमी पार्टी ने जलंधर की बाय इलैक्शन जिहड़ी आ वह बड़े मार्जन के नाल जित प्राप्त की आ। सो मैं सारिआं दा साडे एक वलंटियर तो लैके साडे सारे साथियों का जिन्होंने इस इलैक्शन के अंदर अपना पूरा जोर लाया, पूरा तन मन धन लाया, लगातार 24-24 घंटे रह के मेहनत की, लगातार पार्टी दी नीतियां नूं घर घर पहुँचाया, उन्हां सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहना गा, सारे वलंटियर साथियों का धन्यवाद करना चाहना गा, और सब नूं मैं मुबारकबाद देना चाहना गा, जलंधर वासियों का धन्यवाद करना चाहना गा। और मैं समझदा जिहड़ी साडी जोड़ी आ अरविंद केजरीवाल जी ते सरदार भगवंत सिंह की जोड़ी जिहड़ी आ वह इस तरह आने वाले समय के काम करती रहेगी, और एक आने वाले समय के अंदर पार्टी जिहड़ी आ जिथे 2 राज्यां दे अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ और 2 राज्यां दे विच
असी अपोजिशन दे आने वाली इलेक्शन दे आम आदमी पार्टी जी एक बहुत बड़ा जिहड़ा प्रदर्शन आ देश के अंदर करूगी। उहदी नींह जिहड़ी आ साडे छोटे भरा शशीर रिंकू जी ने जलंधर की बायपोल जित के ला दी आ कि देश की पार्लीमेंट के अंदर इकलौता साडा भरा जाके पंजाब के मुद्दों की गल पंजाब के लोगों की गल देश के लोगों की गल देश के पार्लीमेंट उठाया करूगा। मैं समझना जो साडा छोटा भरा बोलिया करूगा तो जलंधर वासियों का सिर जिहड़ा बड़ा उच्चा होया करूगा। माण दे नाल कहणगे कि असी भरा नूं चिताया सीगा अज देश की पार्लीमेंट दे विच बोल रहा देश की पार्लीमेंट दे विच पंजाब की गल कर रहा देश की पार्लीमेंट दे विच हिंदुस्तान की भारत की गल कर रहा। सो अज इस जित दे लई कल्ला कल्ला जिहड़ा जलंधर वासी आ उह तहि दिलों दा बहुत बहुत धन्नवाद। देखो पिछले पांच साल पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी ने एक भी वादा पंजाब के अंदर पूरा नहीं किया बल्कि पंजाब के अंदर करप्शन का भ्रिष्टाचार का बोलबाला सीगा। सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार उस भ्रिष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार उस करप्शन को खत्म करने के लिए आ साडे सारे साथियों को लैके जोरदार यत्न कर रहे हैं। भरा मेरे बैठे ने गे धालीवाल साहब जिन्हां लोगों ने पंजाब की हजारा एकड़ जमीन दबी सी ये कांग्रेसी भी छड़ा सकते सी अकाली दल वाले भी छड़ा सकते सी उन्होंने सरकार रही आ ये साडे भरा ने छड़ाई आ पूरी मेहनत दे नाल छड़ाई आ हजारा एकड़ जिहड़ी जमीन आ पंजाब चों छड़ी गई छड़ाई गई है तो मतलब की है कि वह पैसा सारा पंजाब के खजाने च आऊगा। देखो टर्निंग पॉइंट यह आ कि इतिहास के अंदर पहली सरकार आ जिन्हें काम करने शुरू किए ने गे जिन्हें पहले तिना महीनों दौरान काम करने शुरू किए ने नहीं पार्टियां आउंदियां सी सरकार आउंदियां सीगियां इतिहासक तौर पर सरकार आउंदियां रहियां नेगियां वह चार साल बाद उस समय वह उदो सरकार अजे बनी सी अजे सरकार बनी नूं मैं समझना अजे तां साडे थोड़े जे 20 दिन 25 दिन भी पूरे नहीं होए सीगे हुण एक साल के दौरान असीं लामिसाल काम किए ने जिन्हां गरंटियां दित्तियां सी उह गरंटियां पूरियां हो रहियां लोगों नूं यकीन आ और जिहड़ा यकीन आ उह अज मैं समझदा उहदा सबूत आ। जिन्हां समस्यावां ने सारियां हल करनगे साडा छोटा भरा बड़ा ताकतवर आ बड़ा इंटेलीजेंट आ बड़ा अगां वधू आ सारे मसलें दा हल करूगा। देखो जिहड़े बंदे कोई जेलां चों जेल कट के आया कोई भ्रिष्टाचार दे अंदर कट के आया कोई लोगों नूं जेल चों कुट्टण दे अंदर कट के आया वो लोगों नूं शोभा नहीं दिंदा सी कि कंपेन कर उन्हां दा अपने किरदार की ने तुहाडे सामने हैगा। मेरा एक मिनट मेरे छोटे भरा नूं मैं शशीर रिंकू जी नूं थोड़ा जिहा प्लीज। सब तो पहला मैं जलंधर दे सारे ही वोटर साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करना चाहना कि जिन्हां ने एडा वड्डा फतवा जिहड़ा अज आम आदमी पार्टी के हक के विच दिता और खास करके उन्हां अपने वलंटियर साथियों का उन्हां लीडर साहबाना का जिन्हां ने दिन रात एक करके पार्टी के लिए कैंपेन की और पार्टी नूं इक वड्डी जित दवाई उन्हां सारे भरावां दा सारे साथियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदा। अज तां सानूं बोल लैण दो गल है कि जनता भी पसंद करती है पार्टी भी पसंद करती है और जे पार्टी ने अज मैनू ऐलानिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पार्टी की गरिमा उच्ची रखा और लोगों के जेडे काम है वो काम जेडे असी पार्टी तो करवा के लैके देखो असी 11 महीने का नहीं असी तो अगले 5 साल का भी विजन नाल लैके चलांगे क्योंकि 11 महीनों के जिहड़ी है चीज़ा रुकियां जलंधर के जलंधर के एयरपोर्ट बंद पिया
जलंधर दे विच जलंधर दे विच एयरपोर्ट बंद पिया, जलंधर दे विच सड़कां बंद पईआं, जलंधर दे विच सेंटर गवर्नमेंट दे जिहड़े प्रोजेक्ट आ उह बंद पए आ, स्मार्ट सिटी दे प्रोजेक्ट बंद पए आ, आदमपुर दा फ्लाईओवर बंद पिया। सो मेरी प्रायोरिटी होएगी कि असी इन्हां कम्मां नूं जिहड़े बंद पए आ इन्हां नूं जल्दी शुरू करवा के लोगों नूं राहत दे सकीए। अच्छा, विधानसभा च तुहानूं घट बोलदिआं देखिआ, जिवें हरपाल जी कहिंदे ने कि तुसीं पार्लीमेंट जाओगे ते तुसीं बोलोगे ते माण होगा, कि तुसीं खास तैयारी करोगे, क्योंकि पिछले जदों तुसीं विधानसभा च हुंदे आ असीं तुहानूं बहुत घट सुणदे रहे। देखो गल है कि अज समस्यावां बहुत है जलंधर शहर नूं लै के और पंजाब नूं लै के। सो मेरी कोशिश होएगी कि केंद्र दे सरकार दे विच अपने शहर दे और पंजाब दे मुद्दे लैके जावां तां कि उन्हां दा जिहड़ा कोई वाजब हल है जिहड़ा असीं करवा सकीए। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੜਕੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਕਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ